बर्रा के नेशनल हाईवे NH2 पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक और टैंकर में भिड़त हो गई। भिड़त इतनी तेज थी कि ट्रक और टैंकर दोनों ही हाईवे के बीच सड़क पर पलट गए। वहीं पेट्रोल से भरे टैंकर के पलटने की वजह से पूरे हाईवे पर पेट्रोल बहने लगा। इस दौरान सड़क पर पेट्रोल बहता देख इलाकाई लोगों ने पेट्रोल लूटना शुरू कर दिया और जान जोखिम में डालकर बाल्टियों में पेट्रोल भरकर भागते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरह से यह हादसा हुआ उससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, मगर लोग इससे बेफिक्र होकर खुलेआम पेट्रोल की लूट करते हुए नजर आए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने हाईवे को चारों तरफ से बंद कर दिया, तो पेट्रोल चोरी की लूट कर रहे लोगों को भी खदेड़ दिया गया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बर्रा बाईपास से जो है ट्रक और टैंकर में जो है अनियंत्रित होकर जो है एक्सीडेंट हुआ और डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गया। उस पर टैंकर जो है BPCL का टैंकर था और उसमें पेट्रोलियम पदार्थ था जो है पलटने के कारण कुछ उसमें से रिसाव होकर नीचे भी गिर रहा था। मौके पे जो है पुलिस ने दोनों तरफ से जो है रास्ते को जो है ब्लॉक कर दिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पे मौजूद है। BPCL के जो कर्मचारी थे उनको भी सूचना दे दी, वो लोग भी आ गए हैं, रेस्क्यू का काम शुरू कर दिए हैं, टैंकर को खाली कराया जा रहा है। इसी बीच जो है कुछ पेट्रोल जो है रिस के नीचे आ रहा था, वहाँ कुछ स्थानीय लोग जो है उसको भरने किए, तो वहाँ भी जो है सुरक्षा व्यवस्था है जो है पुलिस लगा दी गई। अब एक्सीडेंट में दोनों ड्राइवरों को चोटें आई हैं लेकिन मतलब खतरे से बाहर हैं, इलाज उनका हेलमेट पर चल रहा है। सुबह से जाम लगा हुआ, जाम को अब वो जैसे ही अभी शीघ्र ही, चूँकि 2-3 चैम्बर उनके खाली हो गए हैं, जल्दी ही खाली हो जाएगा, तुरंत जो है दूसरा काम जो है सेफली जो है सेफ्टी के कारण दोनों तरफ से ब्लॉक किया गया है, क्योंकि वो पेट्रोलियम पदार्थ है, अगर उस पर चिंगारी उंगारी लग जाएगी तो कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है।